जिमें कि दोस्तों तो दस बंगला मंठार शहर तो वागू खेसूँ ये जिला रहमयार खान का एक छोटा जहा शहर है इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है तो इतने ही रहने वाले लोगों का तो तरह जिंदगी भी दिखेसूँ कि क्या क्या सब्जियां होंगे इतने ही पालक है टिंडी है बताऊँ वगैरह भी है मूली भी है गाजर भी है क्या रेट है दा? सलाम इन्हें दा आलू का क्या रेट है आलू पचास रुपए किलो साईं हाँ पचास रुपए किलो आलू पचास रुपए जी महंगी सब्जी कड़ी है तुसा कने मटर मटर का क्या रेट चल रहा है ढाई सौ रुपए किलो ढाई सौ रुपए ये मटर से पाकिस्तान है जो ढाई सौ रुपए किलो चलता पेन ये खीरे हैं गोभी का क्या रेट है भाई गोभी भाई डेढ़ सौ रुपए किलो डेढ़ सौ रुपए किलो किन्नू वगैरह भी हैं केले वगैरह भी हैं इन्हें किन्नू पूछने हो अदा केले दे क्या रेट है भाई सौ रुपए किलो सौ रुपए दर्जन है ते किन्नू किन्नू सौ रुपए किलो अस्सी रुपए किलो डेढ़ सौ दो किलो किन्नू पाकिस्तान च कई इलाके तुसा वेसो तो उथे जेका दर्जन दे हिसाब नाल विकदे इथे ही लेकिन सारे शहर मंठार जेका किलो दे हिसाब नाल विकदे अमरूद का क्या रेट है अमरूद एक सौ बीस रुपया सौ रुपये अच्छा अमरूद एक सौ बीस रुपये किलो अच्छा मुख्तलिफ रेट से सेब भी पेन सारा ग्राह अदा सेब का क्या रेट है भाई त्रै सौ रुपये किलो भाई त्रै सौ रुपये किलो केले का सौ रुपये दर्जन केला सौ रुपये दर्जन है मुख्तलिफ सब्जियां इतने ही दिन पोल के उत्ते लाया हुए हैं लोगों ने मुख्तलिफ ठेले लगे हुए हैं पोल के उत्ते मेन पोले मंठार का यो इन्हें उत्ते सब्जियां वगैरह फरोख्त करें दिन इनू शिनू के ठेले भी लगे हुए हैं अच्छा हम मंठार की तुम मजे की गाल दसूँ हम मंठार के दू नहर वादे मंठार के मेन पुल के तलू की दू नहर वादे ये नहर है ही कुछ सादिक ब्रांच आखें देन पिछू फटें तक सादिक ब्रांच है तो पुल के हूंकू ओढ़ते तुस उसो तो यह बन वी गुलन नहर ये गुलन नहर है तो इनकी दूजी साइड वाली जी है वह है कंडेर नहर यो बॉर्डर आए पास वी इंडियन बॉर्डर आए पास इतने ही ट्रांसजेंडर जो सारे पाकिस्तान सारी दुनिया से सारे मुल्क होंगे ये सारे इलाके का अदा दीदार कराओ सही थोड़ा जहा कैसे भाई ठीक हो ना अच्छा देखने वाले क्या कैसो वीडियो ठीक है सारी ये सही इतों जो ट्रांसजेंडर काम वगैरह अपना रोजगार करें वन ते मुख्तलिफ इत हर जात पूरे पाकिस्तान मुख्तलिफ जात जो पठान कम्युनिटी के जी है कारोबार करें रहा एक छोकरा डी का कुरान हिफ्ज़ करें शाम के टाइम जो मूंगफली की उन्हें रेड़ी लाई हुई है ते अपना कारोबार करें सर्दी शुरू थी इत सर्दी शुरू थे ही मुख्तलिफ जात मुख्तलिफ अडेला वन यखनी वगैरह से एक यखनी का सूप का अडा लगा हुआ है इन अंडे वगैरह भी हैं सारा कुछ है ये लोग जो अंडे वगैरह खाते हैं हाँ भाई क्या हाल वाले ठीक है किमें मिले एक प्याला चोखे का वाले पैसे दे पैसे देवने अदा क्या हाल वाले शाह ठीक ही खैर खरीत है बे हाल वाल मजा है जबरदस्त जबरदस्त है अच्छा ये सही सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें जो पाकिस्तान अडे बनाए हुए हैं मनियारी वगैरह के ये दर्शन दोस्त हैं सारे अस्सलाम वालेकुम दर्शन क्या हाल है ठीक ठाक ही खैर खरीत है काम का सुना ठीक है फिटफाट है अस जेका एक सरैकी विलोक शुरू किए ते सारे जेके इंडिया दे बहुत सारे दोस्त हैं जेके देखते हैं असा क्या जी सरैकी चला तो देखते हैं लोगों को केजी लगता है सारा विलोक अच्छा लगता है या कोई नहीं लगता हाँ भी दोस्त क्या हाल वाले ठीक है ये जी पनवार जनरल स्टोर है एंड गारमेंट्स वगैरह इन्हें भी छोटा छोटा समान जो है बालें दे लोकल सतह से जो खरीदो फरोख्त वास्ते जो रखा हुआ है ये तो देख सकते हो मुख्तलिफ चीज़ा इन्हें कने बाला ने खिलौने शिलौने हाँ नवाब पुट क्या हाल है नवाब शबाज क्या हाल है अदा ठीक ठाक ही खैर खरीत है फिट फाट क्या कहते पे किन्नू क्या रेट की देवे ए बस रेट ज्यादा ही है क्या क्या रेट डेढ़ सौ का दो किलो डेढ़ सौ का दो किलो सही यार वो तो सौ रुपये किलो देंदे पे वाला सही नहीं तेने तो अदा मुख्तलिफ सब्जियां वगैरह लगिया हुए हैं अच्छा इतने ही जो मछली फ्राई भी थी मंठार ये मछली का एक अड्डा लगा हुआ है ये सही मछली है ये मछली है इतों एक तिलापिया मछली आदन चिड़ा मछली आदि आदन ये सेम वाले पास होंगी इंडियन बॉर्डर के नू ते ये सही गन्ने की ट्राली आती है
फुल डेढ़ किलो डेढ़ किलो कै कदर होंगे उत्ते जो गन्ना लोड किया हो माशाला खैर सलामती नाल वही सही मिल पे तकरीबन ही देख कोई 600 मण के करीब जो गन्ना उस ट्राली से ये अमरूद छोटे छोटे सही लाड़का ने सिंध के मशहूर अमरूद ने अदा किन किलो बिरा 150 रुपए किलो 150 रुपए किलो हाँ जी क्या देसी घ्यू पाता हो देसी घ्यू है सारे लाड़का ना अमरूद अच्छा लाड़का ने महंगा अनार ही दा क्या रेट है हाँ जी अनार दा क्या रेट है 350 रुपए अच्छा 350 रुपए से अनार दा रेट है ये मुख्तलिफ मंडियां जो आंदे सादिकाबाद एक वड़ी मंडी लगती है सब्जी मंडी उतो फ्रूट वगैरह गहने आंदे ये इतों की नहर है गुलन नहर है ते तो मुख्तलिफ जगह चीजा बया लिखे सो थोड़े जहाँ अगे तुम दिखेंगे हो माल ये रक्षे के उत्ते जो लोड किया हो उम्मीद है कि तुम जो सारा वीडियो आज चंगी लग से वीडियो यार चंगी लगे तो जरूर दसी जो जरूर कमेंट्स जरूर करी जो भी ये कि मच्छी के भी कुछ अड्डे लगे हुए ये छोटी मच्छी है कुछ तिलापिया मछली आखते हैं सेम तो आती है इंडिया वाले बार्डर वाले पासों ये कई किस्म ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਨ ਸਾਈ ਸਿਲਵਰ ਪੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਮਰਾ ਪੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾਕਾ ਪੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿੜਾ ਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡਮਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪੇ 550 550 ਰੁਪਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਵੇਚਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਸਰ ਚਿੜਾ ਪਾਪਲੇਟ ਅੱਛਾ ਪਾਪਲੇਟ ਹੈ ਚਿੜਾ ਪਾਪਲੇਟ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਬੇਦਾ ਇਹ ਸਰ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਛੱਡੇ ਲੱਗੇ ਖਣਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਨੇ ਹੈ ਇਥੇ ਹੀ ਮੰਠਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੌਮਾਂ ਆਬਾਦ ਹਨ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 6-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਲਗਾ ਖੜੇ ਇਹ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤਨ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾਲ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਫਿਟ ਫਾਟ ਹੋ ਮੌਜਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਠਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੰਠਾਰ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮਿਠਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੂੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਡੂ ਹਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਮਿਠਾਈ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਆ ਗਿੰਦਾ ਖੜੀ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਗਣਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀ ਦਾ स्पेशल मिठाई है बहुत शुक्रिया जी स्पेशल मिठाई सही आरफ बिरा असा को दी है वो खा तो देखते हैं भी वो केजी है आरफ भाई बहुत जबरदस्त है यार बहुत शुक्रिया सी तेरा ते ये सही साले बिरा है मोहम्मद अली इन्हें जो है इतने अड्डा बना लाया हुआ है कैबिन वगैरह जिन्हें भी चश्मे वगैरह एनका शैनका घड़ियाँ ये वो सारा कुछ जगह रखी दठन छोटा जहा कारोबार है इन्हें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है ते ये सारे भरा हैं मोहम्मद अली भाई क्या हाल वाल है ठीक ठाक हो सही ख्याल करिए ते ये पान बेचेंदे पे हो जी जी सही पान अदा कि में पान बेचेंदे पे हो घने दा ला देंदे हो पान सस्ता ला देनो कोई आप इंशाल्लाह सस्ता मीठा ते मीठा होंदे या दूजा है मीठा भी होंदे दूजा भी होंदे मीठा किवें ला देसो मीठा भी सर समान समान पाप पता ला चुना कथा ला दे ला देसो घने दा बणसे 50 रुपए दा छड़ा 50 रुपए दा ए पता इंडिया वाला दूजा है दूजा पाकिस्तानी है सो पाकिस्तानी हूं समान भी पाकिस्तानी बेचे अच्छा जी सर
अच्छा ये सही है दोस्त है ना सारे ये आखिर ने सब पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी जेका है वो पान बच्चे नहीं हो लेकिन इंडिया का जेका पता होंगे वो बहुत जबरदस्त किस्म का होंगे बहुत ही ग्रीन होंगे बड़ा मजे वाला होंगे वो पान भी बड़ा अच्छा होंगे ये बाबा रफीक शाह पे ये मंठार का अड्डा वागू दिखेंदे पे ये छोटा जहा सेटअप है इतें ही जेका असं बहदू सारा नहीं ही जाते हूँ ये नहर है जी कंडेर नहर है तो पी एस सी की बार्डर वाली साइड से ये मुकम्मल सारी नहर जी वी इंडियन बार्डर तक वी है नहर ही टाइम जो नहर सुकिया हुई हिंदी पानी वगैरह कोनी है ये देख गिनो तुसा ये पाकिस्तानी नहर हैं ये इतों का निज़ाम है तो उम्मीद है कि अज का व्लॉग सारा तुम पसंद आया उसे तो मिलते हैं कहीं नहीं जाते नहीं वीडियो इंशाल्लाह दुआ में याद रखी जो अल्लाह हाफिज़।